अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे 222 पेज नंबर पे टेसिलेशन की डेफिनेशन है। टेसिलेशन क्या होता है? टेसिलेशन इज़ क्रिएटेड व्हेन अ फ्लैट शेप इज़ रिपीटेड ओवर एंड ओवर कवरिंग प्लेन विदाउट लिविंग एनी स्पेस इन बिटवीन। यानी आपने कुछ रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कुछ शेप बार बार रिपीट हो रही होती हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि ये हाइव्स हैं बी का, तो यहाँ पे ये वाली शेप अगेन रिपीट हो रही होती है, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, जैसे ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, तो एक ही शेप बार बार रिपीट हो रही है और दूसरी स्पेस यानी दोनों शेप्स के दरम्यान में कोई स्पेस नहीं है। यानी ऐसी शेप जो फ्लैट शेप जो शेप्स के रिपीट होने पे बनती है और उनमें कोई भी स्पेस नहीं होती, यानी उनमें कोई भी स्पेस कोई भी जगह खाली नहीं होती, हर जगह पे वो शेप जो है रिपीट हो रही होती है, तो इस तरह की शेप को हम कहते हैं टेसिलेशन। ये जो फिर हमारे पास बनती है, इसका अदर नेम जो है वो टीलिंग भी है, कि हम इसको टीलिंग भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह की शेप्स जो रिपीट होती हैं विदाउट लिविंग स्पेस, किसी भी फ्लैट सरफेस को कवर करती हैं, उसको हम कहते हैं टेसिलेशन। जैसे आप लोगों ने मोस्टली पेंट्स वगैरह देखे होंगे कि अब कुछ ऐसे पेंट्स हैं कि वो एक ही डिज़ाइन बार बार रिपीट हो रहा होता है पूरी वॉल पे, तो वो हमारे पास एक टेसिलेशन की एग्जांपल है, क्योंकि वही डिज़ाइन बार बार रिपीट हो रहा होता है। और ये तो नहीं ना होता कि दीवार में कुछ जगह पे पेंट किया हुआ है, कुछ पे नहीं किया हुआ, हर पूरी वॉल पे जो है ना वो पेंट किया होता है और पूरी सरफेस कवर भी हो रही होती है और वही डिज़ाइन रिपीट हो रहा होता है, तो ये भी टेसिलेशन की एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गई। अब हम अपना एक्सरसाइज कर रहे थे 17B। 17B एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया था, 7 भी डिस्कस कर लिया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करना है। इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 12 मीटर, यानी एक पार्क है जो सर्कुलर फॉर्म में और उसका रेडियस क्या है, रेडियस मीन उसका सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। अब देखें कि पार्क के इर्द गिर्द एक रनिंग रोड उन्होंने बनाया हुआ, रनिंग कोई भी कह लें, ट्रैक कह लें, वाइड रनिंग ग्राउंड इट 4 मीटर, यानी उसकी लेंथ जो है ना 4 मीटर है, जैसे यहाँ विड्थ जो है ना वो 4 मीटर है। जैसे यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास लेट कर लेंगे जो अंदर वाला सर्कल है वो हमारे पास एक पार्क है सर्कुलर फॉर्म में, और जो ये बाहर वाला सर्कल है ये एक राउंड फॉर्म में रनिंग ट्रैक है और इसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर है, अंदर वाले जो गार्डन है उसकी रेडियस 12 मीटर है। हमने क्या करना है कि ये मेटेलिंग हमने फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ मेटेलिंग द रोड, यानी जो ये जो रोड है यहाँ पे ये वाला, इसकी मेटेलिंग करने के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है। रेट हमारे पास गिवन है 600 पर स्क्वायर मीटर, यानी 600 एक मीटर स्क्वायर को मेटेलिंग के लिए हमें 600 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे, तो हमने इस पाथ पूरे को मेटेलिंग करना है। अब पहले गिवन इन्फॉर्मेशन, हमें रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क है वो 12 मीटर है, रोड वाइड अराउंड इट यानी उसके इर्द गिर्द जो रोड है उसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर है, कॉस्ट ऑफ मेटेलिंग द रोड हमने फाइंड करनी है, रेट हमारे पास ₹600 पर मीटर स्क्वायर है। अब पाई की वैल्यू उसने खुद हमें क्वेश्चन में गिवन कहा है या गिवन है कि पाई इज इक्वल है 22/7। अब इसको सबसे पहले तो हमें जो ट्रैक है रनिंग ट्रैक है इसका एरिया फाइंड पता होना चाहिए, फिर ही हम उसको मेटेलिंग कर सकते हैं। इसका एरिया किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि ओवरऑल हम पूरे आउटर सर्कल को भी इंक्लूड करके एरिया फाइंड कर लें और इनर जो गार्डन है सर्कुलर उसका एरिया फाइंड कर लें, दोनों को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क सर्कुलर फॉर्म में है तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 12 है, 12 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 144 एंड 22/7। अब 144 मल्टीप्लाई बाई 22 करेंगे 3168 डिवाइडेड बाई 7, यह आ जाएगा 452.571 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कुलर पार्क जो अंदर वाला सर्कल है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो है ना इंक्लूडिंग रोड, अगर हम रोड को भी इंक्लूड करते हैं तो फिर भी ये एक सर्कल बन जाता है, ये बाहर वाला जो सर्कल है। अब इसका एरिया रेडियस कितना होगा, अंदर वाले का 12 है, बाहर वाला 4 मीटर जो है ना वाइड है, तो 12 प्लस 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इंक्लूडिंग रोड क्या हो जाएगा, 12 मीटर प्लस 4 मीटर दोनों को ऐड करेंगे 16 मीटर हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट हम एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क फाइंड करते हैं इंक्लूडिंग रोड, तो सर्कुलर फॉर्म में इसलिए सर्कल का ही फार्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर,
पाई हमारे पास 22/7 है, और हमारे पास अब जो 16 जो इंक्लूड करके आया वो वाला रेडियस हमने यूज़ करना है, 16 स्क्वायर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 मल्टीप्लाई बाय 22/7, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 को, ये आ जाएगा 5632 डिवाइडेड बाय 7, दोनों को डिवाइड करेंगे 804.571 मीटर स्क्वायर आएगा। अब हमने पाथ का एरिया फाइंड करना है, तो ये जो आउटर सर्कल यानी इंक्लूड रोड वाला एरिया, उसमें से एरिया ऑफ गार्डन पार्क जो है सर्कुलर पार्क वो माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल है एरिया ऑफ गार्डन विद रोड माइनस एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन विद रोड की वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 352 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एरिया आ गया रोड का, हम इजीली इसकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट 600 पर मीटर स्क्वायर है, तो 352 मीटर्स के लिए इसको 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रुपीज़ 211,200 रुपीज़ हमारे पास जो है इसकी कॉस्ट ऑफ मेटेलिंग द रोड आ जाएगी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप हम अपने होमवर्क की तरफ मूव करते हैं। होमवर्क में आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको पहले आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बाद में इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 2 टाइम्स आप अपने रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करेंगी, साथ में आप लोगों ने टेसिलेशन की जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की है उसको लर्न करना है अच्छे से, और उसकी 2 रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए कि कहाँ पर टेसिलेशन बनती है, आप एग्जाम्पल को डिस्क्राइब भी कर सके अपनी वर्डिंग में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड डू योर होमवर्क विद योर बेस्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।